हेलो गाइस, सो फार गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कास्केडिंग शेड्यूल ऐप वर्सेस कास्केडलेस शेड्यूल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इररिकवरेबल एंड रिकवरेबल शेड्यूल, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी शेड्यूल दिया होगा, उसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन है और वहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज करना है, क्या रिकॉग्नाइज करना है, क्या ये रिकवरेबल है, इररिकवरेबल है, कास्केडलेस है या कास्केडी शेड्यूल है। तो रिकवरेबिलिटी में ये चारों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेट इज रिकवरेबल, इररिकवरेबल, कास्केडलेस, कास्केडिंग शेड्यूल एंड रिस्ट्रिक्ट रिकवरेबल। ये पाँच चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कास्केडिंग वर्सेस कास्केडलेस शेड्यूल। तो कास्केडिंग का मतलब क्या है, इसका अगर बेसिक सा मीन देखें, कास्केडिंग का मतलब होता है ड्यू टू अकरेंस ऑफ वन इवेंट, मतलब मल्टीपल इवेंट आर इवेंट ऑटोमेटिकली अकर। तो कैसे, जैसे हमारे पास ट्रांजेक्शन है T1, T2, T3 एंड T4, मतलब एक शेड्यूल है, शेड्यूल के अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन है T1, T2, T3 एंड T4। T1 सबसे पहले है, इसमें क्या करना है, रीड ए राइट ए परफॉर्म कर रही है, हमारा टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन आपको ऑब्वियसली पता है, टाइम जो है इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। तो T1 सबसे पहले है, इसने रीड ए करना है, उसने रीड डेटाबेस की वैल्यू से ए की वैल्यू रीड किया, राइट किया डेटाबेस की वैल्यू से ए, जो भी इसने रीड किया, कुछ भी चेंजेस है प्लस माइनस जो भी आप करना चाहते हो वो चेंजेस जो है वो परफॉर्म किया। लेट्स से अभी ये ट्रांजेक्शन गोइंग ऑन है, T2 आई और उसने क्या किया, T2 आई उसने रीड ऑन ए किया, T2 आई उसने रीड ऑन ए किया, अभी कौन सी वैल्यू रीड करेगी, कौन सी वैल्यू रीड करेगी जो इसने चेंज किया, मतलब जो T1 ने अभी चेंज किया डेटाबेस में, अभी वो चेंज नहीं हुआ लेकिन वो चेंज जो है T2 ने रीड कर लिया। और लेट्स से T3 आई, T3 ने भी रीड ऑन ए परफॉर्म किया, ये भी क्या वैल्यू रीड करेगी जो इसने चेंजेस किया। लेट्स से अगर डेटाबेस में 100 वैल्यू है मेरे पास, तो T1 ने सबसे पहले ए की वैल्यू को 100 रीड किया, उसने लेट्स से परफॉर्म किया, उसने परफॉर्म किया A = A - 50 और राइट ऑफ ए किया, और राइट ऑफ ए करते ही ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 50 होगी। अब इस 50 को इसने रीड किया 50, इसने रीड किया 50, लेट्स से T4 आया, उसने भी रीड किया, उसने भी रीड किया और उसने भी रीड किया 50। अभी ये ट्रांजेक्शन चल रही है, अभी गोइंग ऑन है, और लेट्स से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब तीनों ने रीड किया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे T1 जो है वो क्या होगी, T1 हमारे पास फेल होगी। और अगर T1 कोई भी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो एसिड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एटॉमिक सिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, या तो सारे ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए या नन ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, तो यानी हम इसको क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे। तो अगर हम इसको रोल बैक करेंगे तो डाटा बेस में वैल्यू क्या होगी, एक ही जो इनिशियल वैल्यू थी 100 हमारे पास, मतलब डाटा बेस में वैल्यू थी 100, तो 100 रहेगी। तो T2 क्या वैल्यू पे काम कर रही है, 50 पे, ये भी 50, T4 50, वेयर इज 50, 50 वैल्यू कहीं पे है ही नहीं, तो यानी ये तीनों डल्टी, मतलब कि डल्टी डाटा पे काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ राइट रीड प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, हम इसको भी क्या बोलेंगे, अबोर्ट हो जा, इसको भी बोलेंगे अबोर्ट हो जा, इसको भी क्या बोलेंगे, अबोर्ट हो जा, मतलब तीनों को हम ऑटोमेटिकली रोल बैक कर देंगे, दैट इज कॉल्ड अ कास्केडिंग। ये फेल हुई थी ड्यू टू सम आउटेज, कोई भी प्रॉब्लम अक्कर हुई, सर्वर की प्रॉब्लम है, हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, ये ऑटोमेटिकली फेल होगी, लेकिन इन तीनों को हमने फोर्सफुली अपडेट किया। अगर मैं इन तीनों को करने देता हूँ काम, अगर मैं लेट्स से इनको अलाउ करता हूँ, तो तीनों 50 वैल्यू पे काम कर रही है, एक ही वैल्यू 50, लेकिन 50 डाटाबेस में है नहीं, क्योंकि डाटाबेस में तो 100 वैल्यू हो चुकी है, ये सारे ऑपरेशन रोल बैक हो गए, तो यानी मैं इसकी ओब्वियसली गलत वैल्यू पे तो काम करने दूंगा नहीं, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, तो मैंने इसको रोल बैक कर दिया। तो रोल बैक करती ये तीनों ट्रांजेक्शन क्या होगी, ऑटोमेटिकली रोल बैक होगी, यानी ये चारों की चारों ट्रांजेक्शन क्या होगी, फेल हो गई। तो इससे मुझे क्या, मतलब डिसएडवांटेज क्या, मेरे जनरली अगर पूछा जाए कि आपसे अगर कोई पूछ रहे डिसएडवांटेज क्या, इसका डिसएडवांटेज ये है परफॉर्मेंस, CPU की यूटिलाइजेशन, आपने CPU को यहाँ पे यूटिलाइज करते जा रहे हैं, लेकिन इसके फेल होने की बजाय आपने इन तीनों को भी फेल कर दिया, तो आपने CPU का जो यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पे प्रॉपरली नहीं किया, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है सिस्टम की है वो ऑब्वियसली क्या होगी, डीग्रेड हो जाएगी, क्योंकि आपकी CPU की साइकिल है वेस्ट हो जाएगी, CPU में जो काम किया ऑटोमेटिकली वेस्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड है कास्केडिंग शेड्यूल। अगर आप सिंपल से एग्जांपल से समझे, लेट्स से
ये चार बंदे हैं, चार स्टूडेंट्स हैं, चारों हमने मतलब कि लेट्स से कोई पेपर दे रहा है। T1 जो है वो इंटेलिजेंट है। अब T1 ने पेपर में कुछ भी लिखा, T1 ने पेपर में कुछ भी राइट किया, लिखता जा रहा है, T2 ने उसको रीड कर लिया, T3 ने भी रीड कर लिया, T4 ने भी रीड कर लिया, मतलब के इन तीनों ने इसको T1 को रीड कर लिया। इनको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ ब्लाइंडली कॉपी करते जा रहे हैं। अब लेट्स से T1 ने कुछ टाइम सोचा, नहीं यार मुझको लगता है मुझे मैंने गलत आंसर निकाल दिया, तो उसने क्या किया, वो सारा का सारा क्या कर दिया, रब कर दिया। तो ऑब्वियसली क्या होगा, T2 लाव करेगा, क्या लाव करेगा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं उसने रब कर दिया मैं करूंगा, नहीं वो भी क्या करेगा ऑटोमेटिकली रब करेगा, वो भी रब करेगा, ये भी रब करेगा और ये भी रब करेगा, मतलब कि तीनों की मेहनत जो है, तीनों ने काफी मेहनत की है कॉपी करने में, तो तीनों की मेहनत क्या होगी यहाँ पे फेल होगी। तो तीनों क्या करेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली फ्यूचर में आएंगे, मतलब कि दोबारा से जब ये रीड राइट करेगा तब दोबारा से चेक करेगा, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें एट प्रेजेंट तो मेरी जो यूटिलाइजेशन है सीपीयू की वेस्ट होगी, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डिग्रेड होगी। दिस इज कॉल्ड अ कास्केडिंग शेड्यूल। नेक्स्ट है कास्केडलेस। कास्केडलेस मतलब ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि सिस्टम कास्केडलेस होना चाहिए, मतलब कि इस चीज को हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो रिमूव करने का क्या मेथड है, आपको क्या लगता है क्या मेथड यूज करेंगे? सिंपल सा मेथड है, प्रॉब्लम कहाँ पे अकर हो रही है, इसने जो चेंज किया वो इसने रीड किया, वो इसने रीड किया, वो इसने रीड किया। अगर मैं रीड करने ही ना दूं तो क्या होगा, फिर ऑब्वियसली कास्केड लेस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर T1 T2 T3 रीड ए राइट ए कर रही है, तो T2 कह रहा है मुझे रीड ऑफ ए करना है, तो ये कह रहा है मुझे रीड ऑफ ए करना है, तो आई विल नोट लाओ, लेकिन कुछ और परफॉर्म मतलब कि अगर मैं ले लूं T1 लेट्स से T2 लेट्स से T3 तो रीड ए राइट ए कर रही है, तो T2 कह रहा है मुझे राइट ए करना है, तो T3 कह रहा है मुझे राइट ऑफ ए करना है, आई विल नोट राउ। लेकिन अगर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो मर्जी काम करे, लेकिन ए की वैल्यू को ये रीड नहीं कर सकती, ए की वैल्यू को रीड नहीं कर सकती, T4 लिख लो T5 लिख लो, तो तब तक नहीं रीड कर सकती जब तक ये वाली ट्रांजेक्शन T1 वाली ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो जाती, या फिर या अबॉर्ट हो जाए, या तो ये फेल हो जाए किसी की वजह से, किसी भी रीजन से, या फिर ये सक्सेसफुली कमिट हो जाएगी। कमिट होने के बाद ये रीड कर सकती है, तो कमिट होने के बाद तो कोई पंगा ही नहीं है, क्योंकि कमिट होने के बाद ये डाटा बेस में है। अगर मैं बात करूँ इससे, कोई एग्जाम्पल हूँ, अगर ये वैल्यू 100 कर रही है, राइट ए किया 50, तो अगर ये सक्सेसफुली कमिट हो जाती है, कमिट का मतलब है डेटाबेस में सक्सेसफुली चेंज कर दो वैल्यू को, तो डेटाबेस में 50 कर दिया। अब ये कमिट होने के बाद अगर रीड करेगी, क्या रीड करेगी, 50, कहाँ से रीड करेगी, डेटाबेस से कोई पंगा नहीं है, क्या रीड करेगी, 50, डेटाबेस से कोई पंगा नहीं है। लेकिन यहाँ पे पंगा था, क्योंकि डेटाबेस में हम पढ़ा तो हमने रोल बैक करके अबॉर्ट कर दिया, तो ये गलत वैल्यू पे काम कर रहे थे। इसको रोकने का सिंपल सा फंड है कि हम रीड करने ना दें, रीड को अलाउ ना करो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, कास्केड लेस बन गया। तो इसको पहचानने का सिंपल सा मतलब है, अगर कोई ट्रांजेक्शन रीड राइट कर रही है और दूसरी आके रीड कर जाए, अगर ऐसे लिखा हो तो आप कह दोगे इट इज अ कास्केडिंग, तो मतलब कि रीड कर गई। तो अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है कि कमिट, मतलब कि कमिट होने के बाद अगर कोई रीड ऑफ ए कर रहा है, तो इसको आप पहचान जाओगे कि ये कास्केड लेस है। मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर लेना। एक लास्ट पॉइंट मैं कास्केड लेस बता दूं कि कास्केड लेस में एक प्रॉब्लम अभी भी अक्कर हो रही है, वो है राइट राइट प्रॉब्लम। राइट राइट प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि हमने सिर्फ ये बोला कि अगर लेट्स सपोज रीड कर रही है कोई भी ट्रांजेक्शन राइट ए कर रही है, तो हम कह रहे हैं कि दूसरी ट्रांजेक्शन रीड नहीं कर सकती, तो ये ठीक है, लेकिन दूसरी ट्रांजेक्शन राइट तो कर सकती है, यस। तो अगर हम बात करें एक लास्ट पॉइंट कास्केड लेस में, और बता दूं कास्केड लेस में एक और प्रॉब्लम अक्कर हो रही है, वो क्या है, राइट राइट प्रॉब्लम। राइट राइट प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि हमने सिर्फ ये बोला है कि अगर लेट्स सपोज रीड ए कर लिया है कोई भी ट्रांजेक्शन राइट ए कर रही है, तो हम कह रहे हैं दूसरी ट्रांजेक्शन रीड नहीं कर सकती, ये ठीक है, लेकिन दूसरी ट्रांजेक्शन राइट तो कर सकती है, यस राइट कर सकती है। अगर हम बात करें, सिंपल सा एग्जांपल है, मतलब राइट पे तो हमने बात ही नहीं किया, हमने T1 स्टार्ट हुई रीड ऑन ए किया, T2 स्टार्ट हुई उसने रीड ऑन ए किया,
राइट से पहले कर रही है, लेफ्ट से डेटाबेस में एक ही वैल्यू 100 है, इसने 100 रीड की, ये भी क्या रीड करेगी 100। ध्यान रखना ये रीड मैंने राइट से पहले लिखा है, तो रीड मैंने राइट से पहले लिख रहा हूँ उसमें कोई पंगा नहीं है, मतलब कि राइट होने के बाद रीड नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सपोज ये अक्षर निकालिए, लेट्स सपोज राइट ऑन ए लिखता हूँ, लेट्स सपोज राइट के बाद राइट ऑन ए लिख रहा है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये तो सिंपल से ये कह रहा है राइट के बाद रीड नहीं हो सकता सेम डाटा पे जब तक कमिट ना हो, लेकिन राइट के बाद मैं राइट कर रहा हूँ इसके ऊपर कोई, इसने कुछ नहीं बोला, इसके ऊपर कुछ नहीं बोला इसने, तो राइट के ऊपर हम कर रहे हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? ऑब्वियसली ये कास्केड लेस है, कोई पंगा नहीं है, राइट के बाद रीड है नहीं, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? लेट्स से कि अगर ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो मैं इसको क्या करूंगा, रोल बैक करूंगा। इसको रोल बैक करते ही डेटाबेस में क्या हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू मतलब जो भी है वो 100 एज इट इज हो जाएगी, लेकिन जो इसने काम किया वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। डेट इज कॉल्ड अ राइट प्रॉब्लम, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। तो ये लॉस्ट हो जाएगी, तो इसने काम किया वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लॉस होगा। मतलब कि लेट्स सपोज इसमें एक ही वैल्यू 100 थी, इसने भी एक ही वैल्यू 100 रीड की, इसने भी 100 परफॉर्म किया, इसने लेट्स सपोज परफॉर्म किया ए इज इक्वल टू ए माइनस 10, मतलब राइट क्या कर दिया 90, तो इसने परफॉर्म किया ए इज इक्वल टू ए माइनस 20, तो राइट क्या किया 80। तो डेटाबेस में नहीं, अभी हमने लोकल मतलब के मेमोरी में इनके पास 80, मतलब कि इसके पास 90। लेट्स सपोज ये ट्रांजैक्शन फेल होगी फ्यूचर में जाके, इसके फेल होती है हमने क्या कर दिया, हमने डेटाबेस में वैल्यू क्या रखनी है 100 रखनी, मतलब कि जो इसने परफॉर्म किया वो ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा, जो इसने परफॉर्म किया वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, लॉस ही तो हो गया, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है 80 वो कहीं पे रिफ्लेक्ट होगी ही नहीं, क्योंकि अगर ये कमिट भी हो जाती है तो कमिट होने के बाद भी हम इसको क्या करेंगे, डेटाबेस की वैल्यू को 100 कर देंगे, यानी राइट प्रॉब्लम अभी भी अक्कर हो रही है, और वो राइट प्रॉब्लम लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्यों अक्कर हो रही है, उसका रीजन सिंपल सा है कि कास्केड लेस कहता है कि अगर कोई राइट कर रहा है मतलब राइट के बाद रीड नहीं कर सकता जब तक कमिट ना हो, लेकिन राइट के बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि राइट के बारे में जो नेक्स्ट शेड्यूल है स्ट्रिक्ट रिकवरेबल, वो एक्चुअल में बोलता है कि हाँ राइट भी नहीं कर सकते, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द कास्केडिंग एंड कास्केड लेस शेड्यूल। सो थैंक यू।